पावन एक पति का पावन राम सीता राम सीता नहीं कहते हैं सीता सीता राम पति का पावन ही जो कहते हैं वो भगत लोग कहते हैं पावन बताया शंकर का सिर का ऊपर एक कन्या है पावनी तब तक है जब तक ज्ञान सागर बाप से क्या कनेक्शन है अगर कनेक्शन नहीं है बाप की सेवा में लगी हुई नहीं है दुनियादारी की सेवा में लगी हुई है तो नदी नहीं वो नाला हो जाती है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं राम तेरी गंगा मैली बच्चे बहुत सेवा करते हैं बाप प्यार में आकर उन बच्चों को सर पर चढ़ा लेते हैं तो गंगा जी की कभी बहुत सेवा की है बाप का टेकी थी अभी भी बाबा बताया कुत्ता पूंछ को 12 साल बांध लिया तो छोड़ लिया तो वो उसी के निकलता है उसी टेढ़ा में निकलता है क्या वो लाइफ का बारे में बताया बाबा लाइफ हो जाता है कुत्ता को लाइफ स्पैन है 12 साल हाँ जी तो उसका वास्ते में बाबा बताया हाँ जी क्या दूसरा कारण तो दुनिया भी एक मिसाल दिया वेद में भी कोई ब्राह्मणों पांडवों के साथ कोई कुत्ते जैसी आत्माएं हैं जब स्वर्गारोहण किया जाता है तो सबसे पहले कौन मरता है कुत्ता बाद में दूसरे दूसरे पांडव हैं वो भी मरते हैं वो भी जाते हैं कौन बचता है धर्मराज बचता है धर्मराज कोई अकेला थोड़े ही है ऐसी ढेर सारी आत्माएं हैं जो स्वर्गारोहण में रहती हैं बाकी का अपना अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है पहले से सभी धर्म मुख्य निकाल तो एक शुरुआत माला बनती है ऐसे दूसरे दूसरे धर्म वालों गुरुमाला ने विधि माला तो अलग अलग धर्म से एक समान बनती है धर्म वालों ने सारो किसको किया है दूसरे धर्म वालों ने जो फॉलो किया है वो किसको फॉलो किया है बाप को ही फॉलो किया है बाप के बच्चों को ही फॉलो किया है और कब फॉलो किया है शूटिंग पीरियड में ही अभी शूटिंग पीरियड में लास्ट में दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं भी निकलेंगी धर्म पिताएं भी निकलेंगी वो सब किसको फॉलो करेगी ब्राह्मणों को फॉलो करेगी ग्राम देवता होती है ग्राम देवी उन माताओं को सुमंगली माता भूलते नहीं घर में रखते हैं ना गंगम जाता वो मेला करती है एक साल के बाद हर एक साल में करती वो देवी को घर में पूजा करती है वो सुमंगली माता करते नहीं विधवा माता करते हैं क्यों बाबा विधवा माता करते विधवा माता करती क्या करती है पूजा करती है ना करती है पूजा जिसकी की जाती है वो भी विधवा है क्या नहीं वो तो विधवा नहीं है विधवा होना अच्छा या सदवा होना अच्छा
कदवा की पूजा की जाती है या कदवा की पूजा की जाती है? कदवा की पूजा की जाती है। उसकी पूजा की जाती है वह पूज्य, और जो पूजा करने वाला है वो है पुजारी। ऊंच बनना चाहिए, पूजा करने वाला भक्त थोड़ा ही बनना है। ये माता कुछ भी बाबा एक एक गांव में एक एक देवी के रूप में पूजा जाती है, और सब देवी हम किस मान में आती है? अरे 33 करोड़ देवताएं हैं, कम है क्या? गाय तो गाय तो गांव भी ढेर के ढेर है। अभी वो देवी देवताएं गांव गांव में पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं? जब पुरुषार्थ करके संपन्न बनते हैं तो उनकी पूजा होती है। अभी का ही बात है, नव ग्रह के रूप में पूजा जाती है ना बाबा? नव ग्रह है वो अष्टदेव है ना? अष्टदेव तो है ही, तो मुखिया है, लेकिन वो अकेले हैं या उनका पूरा घर ग्रस्त है? घर ग्रस्त है, जैसे राम वाली आत्मा है वो अकेली है या पूरा घर ग्रस्त है? शंकर को ग्रस्त है, पूरा ग्रस्त दिखाते हैं, ये अकेला है? शंकर को ग्रस्त दिखाते हैं रूप में दिखाया है ना? तो ऐसे ही जितने भी 108 हैं सब ग्रहस्थी हैं, वो मिलकर के 9 ग्रह बताए जाते हैं। का अपना अपना ग्रह ग्रहग्रस्त परिवार है, ग्रह में स्थित रहने वाले हैं। ये नवग्रह कहा जाता है, लेकिन उसमें उन ग्रहों में सबसे उनकी स्टेज किसकी है? अष्टदेवों की। उसमें भी राहु केतु शनि वो भी है, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो फिर उनको अच्छे रूप में गायन होना चाहिए। पूजा होती है ना उनको? पूजा होती है तो थोड़ा उन्होंने पूजनीय काम किया होगा, उतना पूजनीय काम नहीं किया होगा जो सदैव उनकी महिमा हो। जिन्होंने सदैव पूजनीय काम किया उनकी सदाकाल की महिमा होती है, और ग्रहों की उतनी महिमा नहीं होती है, इसलिए उनको छोटा दिखाया जाता है। बृहस्पति ने बड़ा काम किया है तो उनको बड़ा दिखाते हैं। सारांशी में एक ही बारू एक गरी में एक माधव पूज जाती ग्राम का देवता रूप में, एक ही बार पूजते पूजा करते जिंदगी में एक साल में एक बार, एक साल में एक बार, तो वो तो अच्छी बात बात संगम युग की है ना, पूरी साल की आवृत्ति हो जाती है क्या? तब पूजा होती है, ऐसे ही यहाँ पूरा कल्प व्यतीत हो जाता है तब पूजनीय देवी देवताएं बनते हैं। उसकी याद वहाँ भी पूरी साल खत्म होती है, एक बार पूजा होती है। कोई ने अंत में ही पुरुषार्थ किया है तो अंत में एक बार ही पूजा होगी, और जिन्होंने आज से लेकर के अंत तक पुरुषार्थ अच्छा किया है उनकी सदैव पूजा होती है। लक्ष्मीनारायण के मंदिर में एक बार पूजा होती है कि होती ही रहती है? होती ही रहती है। ये पूजनीय बनने के लिए पुरुषार्थ करने वालों की बात है, जिन्होंने सदैव पूजनीय बनने का पुरुषार्थ किया है उनकी सदा ही पूजा होती है। देवियों की साल में 2 बार भी पूजा होती है, नवग्रह पूजन एक हो क्या
देवी पूजा न एक बार होता है या दो बार होता है साल में? साल में एक बार, दो बार भी होता है। राम जन्म होता है, कोई कोई को होती है। राम जन्म होता है तो भी नौ देवी पूजन करता है। तीन सूल की अम्बा, कौन कौन तीन सूल है? सूल माने बाण कांटा, सूल माने कांटा। तीन सूल कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये कलयुग के अंत में आकर के तीनों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। इन तीनों की अम्बा, ब्रह्मा विष्णु शंकर की अम्बा कोई है भक्ति मार्ग में? अरे भूल गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी अम्बा है कोई है? नहीं, जगदम्बा तो खुद ही उन तीन की लिस्ट में आ जाती है। अभी तीन देवताएं प्रत्यक्ष होने वाले हैं कि नहीं शरीर से, उनमें जगदम्बा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, होगी तो वो तो खुद ही तीन देवताओं की लिस्ट में है, फिर उसकी भी अम्बा। सूल अम्बा माने तीन सूल, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा के रूप में एक देवता, बड़ी अम्मा के रूप में एक देवता माने जगदम्बा, विष्णु के रूप में एक देवता माने वैष्णवी देवी, और शंकर के रूप में एक देवता। दुनिया का सारी दुनिया का विनाश करेगा, संहार करेगा, कितना बड़ा कांटा, सबको दुख होगा कि नहीं होगा? तो तीन कांटों की अम्बा। भक्ति मार्ग में एक माता है जो तीन देवताओं की भी अम्बा कही जाती है, भूल गए? अनुसुईया। क्या बना दिया तीनों देवताओं को? क्या बना दिया? बच्चा बना दिया। तो तीनों की अम्बा हुई ना, उसका नाम रेखा रख दिया है। अरे सूर्यवंश का हेड कौन है? सूर्यवंश की मुखिया आत्मा कौन है? अरे सूर्यवंश का मुखिया सूर्य, सूर्य पाठ किसका है? ज्ञान सूर्य पाठ साकार में किसका है? शंकर शिव बाबा। एक तो वो हो गया, दूसरा है वैसे ही वो भी पाठ है ना, न्यूट्रल रहने वाला है। एडवांस पार्टी में अगर वो वैष्णवी देवी आ जाए तो सब चक्कर खत्म हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ रही। तो दुख बढ़ रहा है घट रहा है? तो दुख बढ़ रहा है, वो भी सूल हो गई, कांटा हो गई। और जगदम्बा, ब्रह्मा, बड़ी अम्मा, वो इस समय एडवांस पार्टी की जो भी ब्राह्मणों की दुनिया है उसकी वृद्धि कर रही है या उनसे अलग हो चुकी?
अलग हो गई, महाकाली का रूप धारण कर लिया। तो एडवांस पार्टी वालों को अनिश्चय रूपी मृत्यु में ले जाएगी या निश्चय रूपी बनाएगी? अनिश्चय रूपी मृत्यु में ले जाएगी। तो सूल हुई कि नहीं हुई? तीनों है जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा, माने सब धर्म वालों की अम्बा या एक धर्म वाले की अम्बा? सब धर्म वालों की अम्बा। और वैसे भी सूर्य भी है वो, अभी सूर्य को पहचानती है? पहचानती नहीं। राधा चंद्रवंश की होगी या सूर्यवंश की होगी? चंद्रवंशी होगी। तो चंद्रवंशियों की मुखिया वो सूर्यवंशियों का मुखिया, तो तीनों वंशों का जो तीन मुखिया हैं उनको भी ज्ञान में खींच लेने वाली सूर्यवंशी बनाने वाली कोई होगी या नहीं होगी? यह ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन जो शूल दिखाए जाते हैं त्रिशूल में, उनका सत्यानाश हो जाएगा। संसार में इतना भारतवर्ष का नाम है विश्व विजय करके दिखलावे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो तीन आत्माओं का झंडा संसार में बुलंद होगा या गड्ढे में जाएगा? बुलंद होगा। लेकिन कब बुलंद होगा? जब इन तीनों की पालना करने वाली, तीनों तो अभी नहीं है एडवांस पार्टी में, लेकिन तीनों की पालना करने वाली वो अनुसुईया अभी भी है ज्ञान में। वो पालना कर रही है क्या? इसलिए शंकर जी को एक नगरी प्रसिद्ध है। कौन सी नगरी? काशी नगरी। जब आसुर सारी पृथ्वी को पाताल में लेके जा रहा था तो काशी नगरी छिटक गई, पाताल में नहीं गई, सारी शक्ति पाताल में चली गई। अभी ऐसा होने वाला है, ढेर सारे अनिश्चय बुद्धि बनेगी। एक काशी नगरी बचेगी। ये भक्ति मार्ग में एक कहावत बना दिए, काशी में जो मरेंगे सो स्वर्ग में जावेंगे और बाहर जो मरेंगे वो नरक में जावेंगे। जवाब मिला? क्या क्या जवाब मिला? अनुसुईया का पाठ। हाँ, अनुसुईया का पाठ क्या है? तीनों देवताओं की पालना देने वाली वैष्णो देवी। वैष्णवी देवा बाबा तो खुद ही एक देवता है तीन देवताओं में से। बाबा ये माता की पूजी पे काला षष्ठी मंदिर में सर्प दोष का पूजा करते ज्यादा लोग, सांप का पूजा है। काल एक काल महाकाल कौन है? काल काल महाकाल कालों का काल, ये किसका पार्ट है? पार्ट है ना, उसके गले में, उसके सर के ऊपर, उसकी भुजाओं में, उसकी कमर में कौन लपेटे हुए हैं? पूजा उनकी करनी पड़ेगी? नहीं है वो फल उठाए बैठे हुए पास जाओगे तो पूरी दृष्टि लेके गए
तो फन मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पूजा करो पहले उनकी। अरे उन सर्पों की पूजा करने वाली बात समझ में नहीं आ रही क्या? ये काला पूछी कर रहे हम वो नहीं बाबा, कमर में काम विकार है शंकर के, तो जो नजदीक जाएंगे उनको फूंक करके मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा। पूजा करोगे कि नहीं करोगे? सर झुकाओगे या सामना करोगे? सर झुकाना पड़े या सामना करना पड़े? सामना करना पड़ेगा। सर झुकाना पड़ेगा मैंने पूजा करना करनी पड़ेगी। बाबा ये माता जी पूछते त्रेता युग में राम सीता जन्म लेते हैं ना, किसके द्वारा जन्म लेते हैं? त्रेता युग में जन्म लेते हैं या इन सब आत्माओं का जन्म संगम युग में होता है? यहाँ ऐसा होता है बाबा, ये लक्ष्मी नारायण संगम में पशु राम सीता होते हैं ना, हाँ जी वही ना, वो किसके द्वारा जन्म लेते हैं? सत्य युग में होने वाले से जन्म लेते हैं, सावकार से जन्म लेते हैं द्वारा। यहाँ शूटिंग पीरियड में राम सीता वाली आत्माएं जब बेसिक में आती है तो किससे जन्म लेती है? ब्रह्मा सरस्वती। तो वहाँ भी ब्रह्मा, अभी सचिव के आदि में ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं किससे जन्म लेती है? यदि के आदि में कोई राम सीता वाली आत्माएं थी उनसे जन्म लिया ब्रह्मा सरस्वती ने, तो उनके बच्चे हो गए ना, ये शूटिंग शूट हो गई, तो कहाँ बच्चे बनेंगे? सत्यु के आदि में ब्रह्मा सरस्वती बच्चे बनेंगे, ऐसे ही यहाँ शूटिंग हो जाती है। एडवांस पार्टी की जब शुरुआत होती है तो राम सीता वाली आत्माएं मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के टाइम पर ज्ञान में आती हैं कि नहीं आती है? मम्मा वाली आत्माएं बाबा वाली आत्माएं भी होती हैं और राम सीता वाली आत्माएं भी आ जाती हैं, तो उनका जन्म किससे होता है? वो ज्ञान में आना जो है उनका किसके निश्चय बुद्धि के आधार पर होता है? वो अपने ब्राह्मण परिवार में सबसे श्रेष्ठ किसको मानती है? ब्रह्मा सरस्वती को श्रेष्ठ मानती है, उन्हीं के आधार पर उनका जन्म होता है। ज्ञान में जन्म किससे होता है? अरे मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा 65 में 68 में तो उसके बाद ब्राह्मणों की संगत भी दुनिया में कौन विशेष आत्माएं आ गई? आदि वाले आदि वाली आत्माएं राम सीता वन दोबारा जन्म लेके आ जाती है ना, तो किसका बच्चा हुई? ब्रह्मा कुमारी हो गई ना, ब्रह्मा कुमारी वो बच्चा हुई। ब्रह्मा का ज्ञान लेते हैं ना बाबा, ब्रह्मा का लेते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं नहीं कि ब्रह्मा कुमारी को मानते हैं? ब्रह्मा कुमारी को नहीं मानते। तो ब्रह्मा बाप कौन हुए उनके? ब्रह्मा सरस्वती माँ बाप हुए, तो शूटिंग हो गई। त्रेता युग जब होगा तो वो ही ब्रह्मा सरस्वती फिर उनको जन्म देंगे। कभी वो माँ बाप, कभी वो बच्चे, कभी वो बच्चे, कभी वो माँ बाप, ये उल्टा पलटा हर युग में चलता ही रहता है। द्वापर युग शुरू होगा तो वहां तो बाप ही गुरु होता है। राजा विक्रमादित्य की आत्मा कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा किसका बच्चा बनेगा? प्रजापिता। जरूर प्रजापिता वाली आत्मा का गुरु बन करके बैठी होगी, जो उनको बताएगी राजा विक्रमादित्य को ऐसे ऐसे मंदिर बनाओ, मंदिर में इस तरह से पूजा करो, तो गुरु बन के बैठी ना। सचिव त्रेता में गुरु अलग से तो होता ही नहीं, कौन गुरु होते हैं? बस माँ बाप ही गुरु होते हैं। माना त्रेता के अंत में जो सत्यु के आज में राजा था ब्रह्मा और कृष्ण वाली आत्मा, सत्यु का महाराजा
पुराने संदर्भ में उपका महाराजा नहीं, सत्युग का महाराजा। वही सत्युग के आठ जन्मों में नीचे उतरते 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 आखिरी जन्म में प्रजा बन जाता। कौन? ब्रह्मा बाबा बन जाता, बड़ा साहूकार प्रजा बनता है। और उस बड़े साहूकार के यहाँ रामबा जी आत्मा जन्म नहीं। जब वो बड़ा साहूकार शरीर छोड़ेगा तो सारी साहूकारी किसके हाथ में आ जाएगी? राम वाली आत्मा के हाथ में साहूकारी आ जाती है। उस समय जो आखिरी नारायण होता है वो लोन लेना पड़ता है उसको, किससे? राम वाली। उस समय का सबसे बड़ा साहूकार होता है राम वाली आत्मा, उससे लोन लेता जाता है, अपनी राजाई चलाता जाता है। लोन लेते लेते सारी राजाई एक टाइम ऐसा आता है कि सारी राजाई डूब जाती है लोन में। राम वाली आत्मा क्या बन जाती है? राम साहूकार बन जाती है, राजा। साहूकार तो थी ही, राजा बन जाती, राजा बन जाती है त्रेता में। वो राम राजा कहा जाता है और जो आखिरी नारायण है वो सत्य की राजाई खत्म। उसके बाद कोई भी राजा नहीं बनता, वो सत्य की राजाई गवाने वाला महाराजा है। जैसे आदि समाज जब अंत में आते हैं कलयुग के अंत में तो राजाई खत्म कर देते हैं या राजाई चलती रहती है? राजाई खत्म कर देते हैं। उनका पाय की ये है आदि समाज में, तो जरूर आर्य समाज धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है कोई, जो नारायण बच्ची आखिरी जन्म में आत्मा नारायण। वो सारी राजाई चट करने के निमित्त बन जाती है। इसलिए गायन है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। जगत पिता के दो बच्चे, दो के परीक्षा लेने के बाद विनायक जैसा है माता पिता का सुब्रमण्य स्वामी अलग होकर वो पहाड़ पर ऊपर पहाड़ का ऊपर जाता है। क्यों ऐसा जाता है? वो ऊंची स्टेज में जाएगा तब तो स्वर्ग के देवता है उसकी पूजा करेंगे। अगर वो नीची स्टेज में रहे तो स्वर्ग तो ऊपर है कि नीचे? स्वर्ग में रहने वाले देवताएं भी ऊपर है, स्वर्ग भी ऊपर है। तो देवताएं जिसकी पूजा करते हैं पहले पहले वो और ऊपर होना चाहिए नीचे होना चाहिए? ऊपर जाता है पहाड़ पे, पहाड़ माने ऊंची से। इसलिए उनको पहाड़ पे दिखाया है। वो स्वर्ग के देवताओं का भी पूजनीय है। पहले पहले पूजा देवताओं की किसकी होती है? प्रथम पूजनीय कौन है? ग्रह ज्ञान का देवता है, ज्ञान से बनता है स्वर्ग और अज्ञान से बनता है नरक। तो ज्ञान का देवता हो गया गणेश, वो सत्युग त्रेता का अधिनायक हो गया गणेश। और उसके मुकाबले तो दूसरा देवता और है, वो भी शंकर का बच्चा है, वो स्वर्ग का देवता तो नहीं है। क्या क्या नाम उसका? षण्मुख, छह मुख वाला। छह मुख वाला क्यों कहा गया? उसका नाम है कार्तिकेय। क्या कार्तिकेय नाम है तो कुछ काम करता होगा ना, वो तिक तिक बहुत करता है।
ज्ञान की बातों की टिक टिक बहुत है। क्या क्या टिक टिक है? कभी एक मुख से बोलता है, कभी दूसरे मुख से, कभी तीसरे मुख से, कभी चौथे मुख से, कभी पांचवें, कभी छठे मुख से। वो छह मुख कौन कौन से हैं? कभी इस्लाम धर्म की बातें बोलता है, कभी बौद्ध धर्म की बात बोलता है, हैं? कभी क्रिश्चियन धर्म की बात बोलता है, कभी सन्यास धर्म की बात बोलता है, कभी मुस्लिम धर्म की बात बोलता है, और कभी सिख धर्म की बात बोलता है। माने एक जगह पक्का नहीं रहता, ये अभी पार्ट बजा रहा है। क्या वो ज्ञान की टिक टिक करने वाला हर धर्म की ज्ञान की टिक टिक करता है, वो अभी पार्ट बजा रहा है। एडवांस ज्ञान में भी शुरू में चलता है, फिर बाद में और धर्मों की टिक टिक करने लग पड़ता है। कभी मंदिर में जाके झांज बजाएगा, कभी गिरजाघर में जाएगा, कभी गुरुद्वारे में जाएगा, हर जगह चक्कर काटता है। इसलिए द्वापर और कलयुग में जो अनेक प्रकार के धर्म हैं, उनका मुखिया कार्तिक को दिखाए। कार्तिक का युद्ध भी दिखाया है, इसके साथ कार्तिकेय चंद्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी इसके साथ युद्ध करते हैं। अरे शंकर के साथ युद्ध भी दिखाया है उनका, अभी युद्ध चल रहा है प्रैक्टिकल। इसके राम के साथ लव कुश भी युद्ध करते हैं। जैसे राम को भगवान मान लिया है भक्ति मार्ग में, ऐसे शंकर को भी भगवान मान लिया। शंकर के भी दो बच्चे दिखा दिए, राम को भी दो बच्चे दिखा दिए। वास्तव में शंकर है संगम युग का, क्या इसलिए उनके दो बच्चे हो गए, एक हो गया सड़क का अधिकारी मुखिया और एक हो गया नरक का मुखिया। इसी तरह राम है त्रेता युग में दिखाया हुआ है, भक्ति मार्ग वाले कहाँ मानते हैं राम को? त्रेता युग। तो त्रेता युग के बाद दो बच्चे पैदा हुए, एक लव और एक कुश। कुश माने कांटा। लव है इस्लाम धर्म का मुखिया, क्या? और कुश माने कांटा, वो है क्रिश्चियन धर्म का मुखिया। ये लव और कुश दो बच्चे हैं, और दोनों इस्लामी और क्रिश्चियन के जो मुखिया हैं, वो अभी प्रैक्टिकल में लड़ाई राम के साथ लड़ रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। सदगुरु निंदक और न पावे। ये राम की गद्दी जब होती है तो राजगद्दी में गद्दी के ऊपर उनको जगह नहीं मिलती है, कहाँ जगह मिलती है? दास दासी की जगह मिलती है। भाषा न जानने के कारण बहुत कानाफूसी करनी पड़ती है। बाबा क्या बोलना सोचते हैं? क्या बोलना सोचते हैं? हाँ तो बाबा तो बोल रहे हैं ना, तेल बोलो चप्पू। क्या बोला राहु केतु पूजा?
सत्य बाबा क्यों के बाबा राहुल के तो हो जाता है सत्य बाबा वो भी तो नवग्रह है हां उन्होंने भी तो कभी कभी पूजनीय कार्य किया है हैं ऐसे थोड़े ही सब एक जैसी पवित्रता का पालन करते हैं 100% थोड़ी बहुत उन्होंने भी पवित्रता की प्रार्थना की है पवित्र रहे हैं ज्ञान में चलने के बाद इसलिए उनकी भी पूजा होती है जनदेव की पूजा होती है भी नहीं तो शुरू शुरुआत में पूजा होती है फिर लास्ट में होती है लास्ट में होती है थोड़ा बचा बचा है तुम भी ले पहले पहले पूजा किसकी होती है पहला पहला दिन कौन सा है सूर्यवार तो ज्ञान सूर्य है उसके बाद दूसरा कौन है चंद्रमा तो चंद्रमा ने जरूर विशेष पुरुषार्थ किया होगा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है ना तो ब्रह्मा की आत्मा भी विशेष पुरुषार्थ करती है इसलिए सबसे ज्यादा जो पुरुषार्थ करने वाला ज्ञान सूर्य का पाठधारी है वो संगत में विश्व का मालिक बनता है और सचिव में उसका बच्चा सोम सोम माने चंद्रमा वो मालिक बनता है ऐसे ही कृष्ण तो सूरदास कौन है सूरदास ने क्या किया अपनी दोनों आंखें निकाल के है ब्रह्मा की रात गाई जाती है या प्रजापिता की रात गाई जाती है प्रजापिता को अंदर क्यों कहती है आ रही है क्या शंकर पाठ किसका है ब्रह्मा का पाठ है या प्रजापिता का पाठ है प्रजापिता का पाठ है शंकर किसका पाठ है प्रजापिता का पाठ है शंकर सारे जगत का पिता हाँ तो वो उसका टाइटल ब्रह्मा में है या नहीं है ब्रह्मा नामधारियों में प्रजापिता का टाइटल है या नहीं है वो भी तो ब्रह्मा है ब्रह्मा को कितने मुख दिखाए जाते हैं पांच मुख पंचानन कहते हैं इसलिए पांच मुख भी दिखाए जाते हैं संग चौमुखी महादेव भी है कंपल में मंदिर बना हुआ है शंकर को पांच मुख भी दिखाई a
ये भूरी माता भक्ति मार्ग में द्रौपदी को पांच पति दिखाते हैं ना, याद कर भक्ति मार्ग में द्रौपदी विद्वान आचार्य हुए, शास्त्र लिखने वाले हुए, वो सब देवहानी थे या आत्मा अभिमानी थे? देह अभिमानी थे। जो देहधारी है वो देह की प्रक्रिया से पैदा होते हैं या बिना देह की प्रक्रिया के पैदा होते हैं? देह की प्रक्रिया से, देह की कोई प्रक्रिया है वो देह की प्रक्रिया करते हैं तो देहधारियों का जन्म होता है। उन्होंने समझा कि द्रौपदी भी ऐसी हुई होगी, लेकिन द्रौपदी तो यज्ञ कुंड से पैदा होती है, अग्नि से पैदा होती है या देह की प्रक्रिया से पैदा होती है? अग्नि से पैदा हुई। तो देह अभिमानी शास्त्रकारों ने द्रौपदी को भी देहधारियों की तरह समझ लिया। और द्वापर युग में जितनी भी स्त्रियां होती हैं वो सब वैश्याले की रहने वाली है या शिवालय की रहने वाली है? कहाँ की वासी है? सब वैश्याले की वासी। तो द्रौपदी को भी उन्होंने क्या समझ लिया? वो भी वैश्या होगी। अगर वैश्या होती इतनी भरी सभा में इतना मुकाबला कर पाती है? सब कौरवों की और यादवों की ऐसी तैसी करके रखती, ये सतुष्ट की ताकत पे कर दिया या पांच पांच पतियों की ताकत पे कर दिया? पांच पतियों की बात नहीं है। तो जैसे ब्रह्मा कुमारियां पांच सेंटरों में ट्रांसफर की जाती है तो वहां कोई ना कोई भाई मुखिया होते हैं चलाने के लिए, तो क्या वो पति होते हैं? नहीं, पति तो नहीं होते। हाँ, रक्षा करते हैं उनकी। फिर सब ब्रह्मा कुमारियां भी एक जैसी नहीं होती, कोई तो उन भाइयों के अधीन ही हो जाती है, तो क्या सब अधीन हो जाती होंगी? है सब तो अधीन नहीं होती। जो अधीन नहीं होती वो ही सच्ची सती साध्वी द्रौपदी या सीता या लक्ष्मी के पास के रूप में संसार में सच्ची होती है। अगर आधीन हो गई तो समझ लो अपनी आत्मा को मार दिया। अगर जीवन में पक्की धारणा है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, हम किसी की नहीं मानेंगे। किसकी मानेंगे? एक बाबा की मानेंगे। द्रौपदी है, उसका नाम ही है द्रौपदी। ऐसा पद पाने वाली ध्रुव पद है, उसका पद ऐसे ही निश्चित है, पक्का है, जैसे ध्रुव का पद निश्चित है ऐसे ही द्रौपदी का भी पद निश्चित है। नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, सारी दुनिया कह के डूब गई खराब हो गई। बाबा कहते हैं वो नैया डोलेगी नहीं फिर भी विषय वैसा ही नदी के पार जाएगी। दक्षिणामूर्ति सोन है, दक्षिणामूर्ति अंदर जाने शिवालय में जाने के पहले पहले दरवाजे पे दरवाजे पहले पहले दक्षिणा में दक्षिण होते हैं। एक दाएं हाथ की ओर होती है और एक बाएं हाथ की ओर होती है, तो दो मूर्तियां हो गई दक्षिणायन और उत्तरायण। क्या कैसी कैसी? दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तर अच्छा होता है या दक्षिण अच्छा होता है?
भीष्म पितामह ने कब शरीर छोड़ा था? जब सूरज उत्तरायण हो गया, उत्तर दिशा में आ गया तब शरीर छोड़ा। माने दक्षिण में रहते हैं राक्षस और उत्तर में रहते हैं देवता है। उत्तर में है कैलाश पर्वत है, उत्तरायण माने तेज है, इसलिए दो द्वारपाल दिखाई दे रहे हैं, एक दक्षिण मूर्ति एक उत्तर मूर्ति। जय विजय द्वारपाल कोई उन्हीं का नाम जय विजय है। एक की जय होती है, एक की विशेष जय होती है। क्या जय माने सिर्फ जय हुई, विशेष जीत नहीं हुई। एक ऐसे हैं जिनकी विशेष जीत होती है। विशेष जीत किनकी होती है? वो है पांडव दक्षिणायन। क्या जीत होती है पांडव की? जीतेगी स्वर्ग में जाते हैं। तो जीतेगी स्वर्ग में जाना वो विशेष जीत है। या शरीर छूट गया फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह शरीर छोड़ करके स्वर्ग में गए वो जीत अच्छी है। जीते जी जाए वो विजय होगी। एक जय और एक का नाम विजय। ये उनका नाम पड़ता है दक्षिण मूर्ति और उत्तर मूर्ति। चलो बंद करो।